नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये देखते हैं खबरें नॉन स्टॉप। आम लोगों से भी मदद लेगा WHO, फंड जुटाने के लिए फाउंडेशन का ऐलान। भारत चीन के बीच सीमा विवाद, ट्रंप बोले अमेरिका मध्यस्थता को तैयार। खराब मौसम के कारण नासा ने ह्यूमन स्पेस मिशन स्थगित किया, 2:03 पर होना था लॉन्च। नेपाली विदेश मंत्री बोले जल्द ही नए नक्शे को मिल जाएगी संसद की मंजूरी। कोरोना वायरस महामारी के कारण ब्रिक्स और SCO समिट हुआ रद्द। भारत पर दो तरफा दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान भी खोल सकता है मोर्चा। विशेषज्ञ और कूटनीतिज्ञ के अनुसार चीन का इरादा भारत से टकराने का नहीं, दुनिया का बीजिंग से ध्यान भटकाने का है। वैज्ञानिकों का मानना है इम्यूनिटी पासपोर्ट से हो सकता है भेदभाव, कई देशों ने इस्तेमाल का दिया सुझाव। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अमेरिका में हुई 1,00,000 के पार, हर तरफ हाहाकार। 188 देशों में कोरोना का कहर, 55,00,000 से अधिक केस, करीब 3,50,000 हुई मौत।